को कच्चा आटा खिला दिया उसका पेट खराब नहीं होगा। आपको कोई कच्चा आटा खिला दे तो वो गौ माता है, गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को कुछ खिलाना चाहिए। उसका मतलब ये कच्चा आटा गाय को इतना इतना सारा लाके खिला दिया, गाय का पेट खराब हो। गाय को चावल लाके खिला दे के मेरी मनोती थी गाय को चावल खिलाऊं, अरे गाय बीमार हो जाएगी बेचारी। गायों को तोशा ला करके खिला दे तो गाय बीमार हो जाएगी, होती है बीमार गायें फिर कई ऐसा खिलाने से। आपने तो खिला दिया, आपको लगा मेरे को पुण्य होगा, पुण्य नहीं हो गया, गाय बीमार हो गई उसका दोष लगेगा। इसलिए गायों को ऐसी चीजें न खिलाएं, थोड़ा हरा घास ला करके डाल देना गाय को, उसका जो खुराक है उसको वो देना। गाय को कच्चा आटा खिला रहे, गाय के आगे आधा किलो जलेबी रख दी, आपके आगे कोई आधा किलो हरा घास रख दे टुकड़े करके तो लो खाओ, तो फिर किसी के यहां जाए और वो प्लेट में घास के टुकड़े टुकड़े करके लीजिए लीजिए मैं आपके लिए लाए, खाओ सही खाओ, चिंता से होगा खाओ सही खाओ, कैसे कहा क्या गाल जो ना है, कैसे काम होगा आप सोचो। अब गाय के आगे तोशा रख देते ले गाय, तो गाय तो बेचारी खा लेगी, पर मेरे पास खबरें आती फिर गाय बीमार हो जाती है, कई जगहों पर ऐसा सुनने को मिलता है। तो जो गाय का खुराक है वो गायों को दिया जाए। तो शुक्ल पक्ष की त्रीज को गाय को दो रोटी, दो रोटी देने में कोई वो नहीं है, दो रोटी और गुड़, रोटी तो पकी हुई है, रोटी भले दे दो, दो रोटी और गुड़ दे दिया और गाय को चंदन से तिलक कर दिया, बस शुक्ल पक्ष की त्रीज को इतना करे तो उस बहन को शादी के बाद जो तकलीफ आती है वो कम होती जाएगी। और रात को सोते समय माँ पार्वती का स्मरण करके सोए कि हे माँ पार्वती जैसे आपका और शिव जी का ग्रस्त जीवन है ऐसे मेरा और मेरे पति का हो जाए, बस इतना तो कर सकते हैं। तो घृष्णा क्या करती है, शिव पुराण की कथा, आटे के 100 शिवलिंग बनाकर पूजा कर रही, पूजा पूरी हुई तो वो शिवलिंग उठाकर तालाब किनारे विसर्जन करने को गई, और विसर्जन करते समय वो खूब प्रार्थना करती है कि भगवान कुछ भी हो मेरी भक्ति कभी कम ना हो। मृत्युंजय महादेव मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितः कर्म बंधने पीड़ितः कर्म बंधने। प्रार्थना की और दो हाथ जोड़कर भक्ति भाव से आटे के शिवलिंग विसर्जन कर रही है, 100 के 100 छोटे छोटे शिवलिंग विसर्जन कर दिए, प्रणाम करके घर जाने के लिए उठी और मुड़ी तो देखा सामने भगवान शंकर खड़े हैं, साक्षात भोलानाथ प्रकट हो गए और एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में उसके बच्चे का हाथ थामकर भगवान खड़े हैं और कहते हैं कि बेटी ये ले तेरा बेटा। ओम नमः शिवाय 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 शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः
चरणों में प्रणाम करती है। भगवान कहते हैं बेटी तेरी बहन ने ही ये सब किया था, मैं उसको सजा दूंगा। तब कृष्णा कहती है प्रभु नहीं, आप उसको सद्बुद्धि दे दो, आप उसको भी अपनी भक्ति दे दो बस। भगवान शिव जी ने कहा धन्य है बेटी तेरी समता और तेरी भक्ति, तेरा नाम कृष्णा है तो आज जहां तूने पूजा की है और मैं प्रकट हुआ हूं इस जगह पर मैं हमेशा रहूंगा सूक्ष्म रूप में, और बेटी तेरे नाम से मैं जाना जाऊंगा। तेरा नाम कृष्णा तो यहां मेरा नाम होगा कृष्णेश्वर महादेव। औरंगाबाद से 22 किलोमीटर दूर आज भी वो ज्योतिर्लिंग है, आज भी वो स्थान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शांति मिलती बापू के दरबार में, भक्ति मिलती शांति मिलती बापू के दरबार में, बापू के दरबार में, बापू के दरबार में, चमके उसका भाग्य सितारा आए जो गुरुद्वार पे, चमके उसका भाग्य सितारा आए जो गुरुद्वार पे, किस्मत वाला होता है वो किस्मत वाला, आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, भक्ति मिलती शांति मिलती गुरुवर के दरबार में, भक्ति मिलती शांति मिलती बापू के दरबार में। जिनके मन में बापू बसते कभी ना है वो जग में बसते, जिनके मन में बापू बसते कभी ना है वो जग में बसते, हो जाए निहाल वो पल में, हो जाए निहाल वो पल में, जो गुरुद्वार पे।
उसके सारे पाप है मिटते आए जो गुरुद्वार पे, उसके सारे पाप है मिटते आए जो गुरुद्वार पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वड़ा गुजरात की वो महिला अपनी तीन बेटियां, पति और 1.5 साल का बच्चा, जिसके लिए डॉक्टरों ने कहा अंतिम सांस इसकी घर पे निकले तो अच्छा है, तो घर पे ले आई, बच्चे को बैठी है और मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना कर रही है कि आप ही ने प्रसाद दिया था, उसी का ये प्रसाद है, अब आपकी मर्जी, मेरे पास रखना हो तो आपकी मर्जी और सदा के लिए इसको अपने चरणों में बुलाना हो तो आपकी मर्जी। कुंदन के हम डले हैं, जब चाहे तू गला ले, जैसी तेरी मर्जी हो हर नाच तू नचा ले, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हृदय से प्रार्थना की और परिणाम क्या आया कि थोड़ी ही देर में बेटा स्वस्थ होता गया होता गया होता गया, दवाओं से नहीं हुआ, दुआ से हो गया और अभी तक ठीक है वो लड़का, अब तो बड़ा हो गया। मुझे गुरु अजे दरते को भागन वारो अच्छे, भागन वारो अच्छे, नसीबन वारो अच्छे। एक भजन है सिंधी में, आज मैं गाना चाहता हूं यहां पर, जो सिंधी भाषा नहीं जानते हैं वो भी सुनना, जरा सुन के भी आनंद उठाना, ठीक है? गाऊं अभी गाऊं कि शाम को गाऊं? अभी शाम को आप नहीं आओगे। मुझे गुरु अजे दरते को भागन वारो अच्छे, 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 ओ भागन वारो अच्छे, नसीब वारो अच्छे, ओ भागन वारो अच्छे, नसीबन वारो अच्छे, भागन वारो अच्छे, नसीबन वारो अच्छे, ओ भागन वारो अच्छे, नसीबन वारो अच्छे, मुझे गुरु अजे दरते को भागन वारो अच्छे।